उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। दीप प्रज्वलन में अयोध्या का रिकॉर्ड तोड़कर 18,82,229 दीपक जो है वो उज्जैन नगरी बाबा महाकाल की नगरी में जले हैं। और ये देख सकते हैं कि घाट जो है कितनी खूबसूरती से यहाँ पर दीपकों से जगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद में यहाँ पर एक लेजर शो किया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में पहुंचे थे और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु वो यहाँ पर पहुंचे थे। 22,000 के आसपास अधिकारी कर्मचारियों का इसमें मिला, उन्होंने मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। कहाँ से हैं आप? उज्जैन। आज उज्जैन ने रिकॉर्ड कायम किया है, अयोध्या का रिकॉर्ड टूट गया है। 18,82,229 दीप जो उज्जैन में जले हैं, कितनी खुशी होती है जब इस तरीके के नए कीर्तिमान उज्जैन हासिल करता है? बहुत बार और बहुत हैप्पीनेस होती है देख के। महाकाल के दर्शन किए आज सुबह? नहीं, अभी तो नहीं किए क्योंकि भीड़ बहुत है उज्जैन के, तो कर लेंगे पहले जो बाहर से आए उनको पहले करना चाहिए। आज महत्व होता है शिवरात्रि पर विशेष? बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा ही होता है उज्जैन का। लेजर शो कैसा लगा यहाँ पर? एक लेजर शो बहुत ज्यादा अच्छा था, बहुत ज्यादा अच्छा था। आप कहाँ से? हम तो यहीं से ही उज्जैन में, यहीं पास में रहते। एक नया कीर्तिमान उज्जैन ने आज रचा है दीप प्रज्वलन में। हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा इतना एक्साइटेड रहते हैं हम इस दिन के लिए, क्योंकि पिछले साल भी हम लोग यहाँ पे आए थे तो तब भी बहुत अच्छा लगा था हम लोग को। इससे हम चाहते कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हर बार होए और ज़्यादा से ज़्यादा लाख में दीपक जले। हर बार जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, इसके पहले 11 लाख के आसपास का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो उज्जैन में कायम किया था और उसके बाद अब नया रिकॉर्ड जो है वो कायम हुआ है। वर्ल्ड रिकॉर्ड फिर कायम हो गया उज्जैन में, कितनी खुशी है? बहुत खुशी की बात है कि हमारे उज्जैन में वर्ल्ड रिकॉर्ड सेकंड बार बना है और हम बहुत खुश है कि महाकाल की नगरी में ऐसे कार्य होते रहे। और हमारा कार्य यहाँ पे काउंटिंग टीम का था और जो साई फाउंडेशन से आए हुए थे हम लगातार 3 दिन से लगातार यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। 3 दिन से लगातार यहाँ पर जो लोग हैं वो मेहनत में लगे थे, वॉलंटियर्स मेहनत करने में लगे हुए थे और आज जो उनकी मेहनत यहाँ पर सफल हुई है। देखिए, इसको नो वेस्ट यहाँ पर नाम दिया गया का इस्तेमाल किया जाएगा और इसके साथ साथ जो इसमें बत्ती है उसका यहाँ पर नगर निगम कपड़ा बनाने का काम करेगी और जो तेल है उसे गौशाला में भेजा जाएगा। नो वेस्ट इस कार्यक्रम को नाम दिया गया था और पूरा कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर सफलतापूर्वक रहा है और एक नया कीर्तिमान उज्जैन ने हासिल किया। कैमरामैन केशव मराठा के साथ हेमंत शर्मा, News24 उज्जैन। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे